अलविदा रतन टाटा, आज आप हमारे बीच नहीं रहे। भले ही आपका 86 साल का जिंदगी का सफर थम गया है, लेकिन आपने हमारे देश को वो हसीन और यादगार पल दिए हैं जिसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। आप टाटा ग्रुप के ही नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे अनमोल रतन में से एक हैं। वो अनमोल रतन जिनका योगदान हमारे देश की इकोनॉमी से ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे देश के क्रिकेट को जो योगदान दिया है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। बिजनेसमैन रतन टाटा का इंडियन क्रिकेट में ऐसा योगदान रहा है जिनके बिना 1983 के वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत संभव नहीं हो पाती, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने साल 1983 में कपिल देव की टीम के कारनामे में पर्दे के पीछे खास रोल अदा किया था। जी हाँ दोस्तों, जो जीत इंडियन क्रिकेट के उदय का सबसे बड़ा फैक्टर रही है, उस जीत में रतन टाटा ने अपनी वो भूमिका अदा की है जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। कपिल देव की 1983 की वर्ल्ड चैंपियन टीम के तीन चैंपियन प्लेयर रवि शास्त्री, संदीप पाटिल और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ के टैलेंट को टाटा ग्रुप ने ही निखारा था। ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, चलिए इस वर्ल्ड कप की कामयाबी के पीछे टाटा ग्रुप के योगदान पर बात कर लेते हैं। 1983 वर्ल्ड कप से पहले मोहिंदर अमरनाथ एयर इंडिया के लिए खेले, जबकि संदीप पाटिल टाटा ऑयल मिल्स के लिए खेले। इसके अलावा रवि शास्त्री टाटा स्टील के लिए खेला करते थे। इस तरह से तीनों ही खिलाड़ियों के करियर का स्टार्ट टाटा ग्रुप से जुड़ी डोमेस्टिक टीमों से हुई थी। उस वक्त रतन टाटा ने ग्रुप के अंदर एक मैनेजरियल पोस्ट को संभाला था, जो इंडिया में क्रिकेट के डेवलपमेंट में उनके बड़े रोल दिखाते हैं। इसके बाद तो टाटा ग्रुप से जुड़ी टीमों के लिए आज तक कई क्रिकेटर्स खेलते आ रहे हैं, जिसमें टीम इंडिया के नामी क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना से लेकर जवागर श्रीनाथ, इरफान पठान और अजीत आकरकर तक खेले हैं। आप टाटा ग्रुप के इंडियन क्रिकेट में दिए गए योगदान पर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।